लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है, उस मुद्दे को लेकर के आप क्या मानते हैं? कभी ऐसा हुआ जो बीजेपी कर रही, कभी ऐसा हुआ भविष्य में कि मान हानि के मामले में और किसी को हटा, मतलब संसद से हटा दे? अच्छा, जो राहुल गांधी का सदस्यता खत्म की गई है तो 1975 में तो इंदिरा गांधी भी ये कर चुकी है ना, क्या की है? होने को तो कई सारे लोग की हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव की भी जा चुकी है, आजम खान की भी अभी पिछले महीने गई। पुरानी बात बता रहे 75 की, इंदिरा के जमाने की। राहुल गांधी से यहाँ शरद यादव सवाल किया तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया उसी लोकसभा से। मनीष सिसोदिया इतना अच्छा आदमी, पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर की स्कूल चला रहा, उठा के जेल में डाल दिया। वहाँ तो सवाल दिया जाता है कि ये करना है तुमको, अपने मन से नहीं कर सकते, सारी चीजें फिक्स होती है। हाँ, तारीख वहाँ फिक्स होती है सवाल जवाब करने का। शरद यादव अपने तरफ से सवाल किया, उठा के बाहर फेंक दिया गया कुर्सी समेत इंदिरा गांधी के जमाने में। तो अगर इसकी सदस्यता खत्म हुई तो गनीमत है ना, उठा के फेंका तो नहीं गया। ऐसा नहीं रहा, ऐसा नहीं रहा, वो तो सिर्फ जेल में डाली रही, ऐसा नहीं रहा, इमरजेंसी लगी रही, जेल में डाली रही, उसका वो भोगी रही इंदिरा गांधी। तो उठा करके फेंकना ही हुआ ना एक तरीके से, अगर ठीक है बस जैसा चल रहा चलने दो, भाजपा हो कांग्रेस हो या कोई और आए, कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्ट बहुत चिल्लाते रहे वो भी ठंडे पड़ गए। अरे पूरे हिंदुस्तान में तो कम्युनिस्ट ही हो जाती भाजपा के जगह, मगर कांग्रेस छोड़वा देती रही कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट को। भाजपा इलाके वाले जो पार्टी थी उससे तोड़वा दे कम्युनिस्ट को, कम्युनिस्ट बेचारे ढीले पड़ गए, अब ये उनके बाप हो गए भाजपा कांग्रेस के। बिल्कुल गुंडेगर्दी हो रही विपक्ष के साथ, हम जो चाहेंगे हम करेंगे, अगर हम कुछ चाहेंगे तो फिर ईडी और सीबीआई और ये सदस्य ये सब 3-5 करेंगे, ये सब कांग्रेस की दाई हुई है, हम लोग की दाई हुई नहीं है। आम जनता के लिए कोई परेशानी नहीं, वो तो जो ऐसा चलेगा काटेगा यार, जैसे महंगाई याद की। हाँ वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं, महंगा हो सस्ता हो कम हो ज्यादा हो सब चलेगा। आप क्या मानते हैं इस मसले को लेकर के, राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है? सदस्यता खत्म कर सजा वो दो बार गुंडागर्दी, गुंडागर्दी जिसको कहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, ये इनके जैसे गुंडागर्दी नहीं हो रही कि चलो जेल में डाल दे तो ये कर दे तो वो कर दे। जिसके यहाँ इतना धन निकल रहा बीजेपी के तो उसको नहीं छापा डालेंगे। एक तरीके से एक तरफा सारी चीजें हो रही। अरे गुंडागर्दी, हम तो खुली बात बोले ना, गुंडागर्दी कर रही बीजेपी, सरकार नहीं चल रही गुंडा ही कर रही है। तो आगामी चुनावों में फिर क्या होगा, अगर जनता को तो कुछ ना कुछ समझ में तो आता है, वो चुनाव में जो होगा वो होगा, अभी तो खुली गुंडागर्दी हो रही ना।